स्टूडेंट ना वी आर गोइंग टू सी द इंटरप्टिड टाइम सीरीज डिज़ाइन इन कजा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द फर्स्ट डिजाइन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंटरप्टिड टाइम सीरीज डिजाइन इज सिंपल इंटरप्टिड टाइम सीरीज डिजाइन इस डिज़ाइन की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप होगा और उस ग्रुप में मल्टीपल ऑब्जर्वेशनस होंगी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट यानि हम एक इक्वल नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन लेंगे ट्रीटमेंट से पहले और बाद इसकी ख़ासियत ही ये है कि हम इसमें मल्टीपल ऑब्ज़र्वेशन्स लेते हैं तो उनकी अमाउंट सिमिलर होनी चाहिए यानी आपने एक ग्रुप को पाँच दफ़ा ऑब्ज़र्व किया उसको ट्रीटमेंट दिया तो फिर उसको फिर पांच दफ़ा हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जैसे कि रिसेंटली पेंडेमिक आया तो कोविड नाइन्टीन के केसेस को एक पर्टिकुलर टाउन में ऑब्ज़र्व किया गया कि फ़ाइव मंथ्स में उधर कोविड नाइन्टीन के कितने केसेस थे तो उसकी बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि उनको बूस्टर डोज रिक्वायर्ड है कोविड uh, वैक्सीनेशन की तो वो बूस्टर डोज देने के बाद फिर पाँच महीने देखा गया कि वहाँ पर uh, कितने केसेस ऑफ़ कोविड नाइन्टीन के अपीयर हुए हैं तो इससे आ, ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम हमें ये देखने को आ, मिल सकता है कि जो इंटरवेंशन की गई उसका क्या कोई एक्चुअली इम्पैक्ट भी आया कि नहीं आया तो इसका जो दूसरा डिज़ाइन है उसमें हम क्या करते हैं कि हम आ, जो है अपने ट्रीटमेंट ग्रुप के साथ एक ऐड कर लेते हैं कंट्रोल ग्रुप भी तो इसमें आ, जो है आ, क्या होता है क्या मल्टीपल ऑब्जरवेशन करते हैं फॉर बोथ ग्रुप्स फॉर ट्रीटमेंट ग्रुप एंड फॉर द कंट्रोल ग्रुप एंड वी डिलीवर द ट्रीटमेंट इन द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड देन वी डू सिमिलर मल्टीपल ऑब्जरवेशन इन बोथ ग्रुप्स तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे uh, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं मोटरसाइकिल और कार्स के तो आप ये देखना चाहते हैं कि पिछले पाँच सालों में लाहौर सिटी में कितने जो है ट्रैफिक uh, एक्सीडेंट्स हुए हैं मोटरसाइकल्स uh, के और कार्स के तो इसी के डेटा के बेस पे आप क्या कर देते हैं एक कंपेन शुरू करते हैं जिसमें आप कंपलशन को इंश्योर करते हैं कि जो बाइक राइडर्स हैं वो क्या करें कि वो हेलमेट को इंश्योर करें तो इस कम्पेन uh, के बाद फिर हम देखते हैं कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का ट्रेंड क्या रहा रहा अगले पाँच साल में तो ये आ, जो है इसमें जो ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी यानी वो कंपल्शन एग्जिस्ट तो करती है मगर उसको री इन्श्योर किया गया तो इससे क्या पता चलता है कि जब आप एक चीज को री इंश्योर करते हैं तो ओ, फिर आफ्टर द ट्रीटमेंट वो उसकी जो है रेशो जो है वो कम हो जाती है एक्सीडेंट्स की इसमें जो हमारा थर्ड डिजाइन है उसमें हम क्या करते हैं कि हम आ, आ, जो है दो डिफरेंट ग्रुप्स में आ, लेते हैं एक को हम समझते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को हम समझते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप ये दोनों ही हम इनको लेते हैं एज़ डिपेंडेंट वेरिएबल और इसमें हम क्या करते हैं कि आ, जो है ट्रीटमेंट ग्रुप में हम इंटरवेंशन करते हैं और जो दूसरा ग्रुप है डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें इंटरवेंशन नहीं करते फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको आप ये आप ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की ही तो उसमें आप क्या कर, देखते हैं कि हम सिर्फ बाइक राइडर्स के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखते हैं और उसमें से देखते हैं कि भी जो हैवी बाइकर्स हैं और जो स्मॉल बाइकर्स हैं जैसे सी डी सेवेंटी और होंडा वन टू फाइव और उसके एक्सीडेंट्स कितने हैं और जो हैवी बाइकर्स हैं उनके एक्सीडेंट्स कितने हैं तो क्या जो है हेलमेट वेयरिंग से किस तरफ ज़्यादा ट्रेंड में चेंज आया है तो ये इस तरह से इसमें देखा जा सकता है